आज का जीसी चार कमर्शियल ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये जो बाज़ार पड़ा हुआ है उस बाज़ार में जो बाज़ार की जरूरत है प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं कि ये एक समाचार ये प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का उपभोक्ता कौन है, उस उपभोक्ता को ध्यान में रखकर ही जिसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस है, टारगेट श्रोता है, टारगेट पाठक है, तो उस पाठक की मनोदशा को प्रभावित करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव, इस बीच हमारे पास अदिति महाविद्यालय में एक प्रोफेसर साहब हैं, वो कुछ बताएंगे चुनाव के बारे में। इनके व्याख्यान हमने सुना और काफी प्रभावित हुआ। जी सर, इंडिया गेट पर चलने वाले जो कुछ भी वहाँ चलता है उसके बारे में जरा साहब डिटेल। मुझे लगता है कि ये सारे कार्यक्रम प्रायोजित हैं और एक विशेष पार्टी के लिए इनकी जनमत का निर्माण करने के लिए सारे कार्यक्रम प्रायोजित किए जा रहे हैं। अलग हो और आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर है वो बिल्कुल सत्ता बचपन की स्थिति में आकर वही सब कुछ कर रहे हैं जो सत्ता होनी चाहिए और इन भावात्मक मुद्दों से निश्चित रूप से देश का जो वास्तविक विकास है, जो वास्तविक मुद्दे हैं उसे देश की जनता का खासकर युवा वर्ग का ध्यान दिखाया जा रहा है और कोशिश ये करनी चाहिए कि मीडिया को कि वो सही मुद्दे जो देश के समाज से, देश के युवा वर्ग से, देश के किसानों से, देश के नौजवानों से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को लाए, उस पर विचार विमर्श करें ताकि सही सोच विकसित हो और सही सोच विकसित हो तो निश्चित रूप से भविष्य। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनमानस यानी भूतल के लोगों को भावनात्मक रूप से भटकाया जा रहा है, सर ये भटकाने का तत्व क्या और क्या कारण है? इसलिए ये बात सबको समझानी चाहिए कि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो बड़ा समझदार है, वो सही समय पर सही निर्णय ले रहा है, चाहे कितने ही भावात्मक और संवेदनशील मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए लेकिन उसके पीछे छिपे हुए जो निहितार्थ को वो समझता है और सब कुछ सुनने के बाद वो फैसला वही करता है जो समाज के लिए कुछ करने और देश के लिए। जब कुछ आप कह रहे हैं शब्दों के मर्यादा में रहकर कर रहे हैं लेकिन आम जनमानस जो छोटा गण है ये कैसे समझेगा जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है वो वाकई में सच है या फिर फैक्ट है? देखिए सोशल मीडिया पर जो विचार हो रहे हैं वो सारे सही है ये तो मैं नहीं कह सकता, समझ भी होते हैं क्योंकि सबका भी उद्देश्य यही है कि किसी न किसी विशेष पार्टी के लिए जनमत बना, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी सामग्री जो मुख्य मीडिया में नहीं आ पाती वो सोशल मीडिया बड़े शक्तिशाली ढंग से हमारे सामने आता है और वो भी बड़ा मुझे लगता है कि वो चुनाव को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा एक असर का है। ऐसे मीडिया करके भी आपकी नज़र में है जो वाकई में काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। मैं मतलब
ले सकता हूँ, मैं अपने किसी वाजपेयी का नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने जनमत को लोगों के विचारों को प्रभावित करने में सही दिशा में प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयासों से हमें बनाना चाहिए। और उसको चलते चलते सर हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो उनके मुट्ठी में मोबाइल में पूरे देश दुनिया ब्रह्मांड की खबरें आ रही है, सूचना आ रही है, वो कितना सत्य है या कितना सच है और उनको कैसे परखे हो, इसका अपने विवेक से परीक्षण करना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या तथ्यात्मक जानकारी है। उन तथ्यात्मक जानकारियों को हमें दूसरे स्रोतों में भी वेरीफाई करना है, केवल जो कहा गया है उसी को मानकर अपना कर्तव्य।